आज जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के सत्यानाश हो रहे हैं, इनका मूल कारण क्या है? वो उत्तर कुछ भी दें, लेकिन आपको ये बताना है कि हमारे जो नॉन जनरल वर्गों के सत्यानाश हो रहे हैं, एक शब्द में हम लोग नॉन जनरल भी कह देते हैं इनको, नॉन जनरल वर्गों के जो सत्यानाश हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं नेताजी कि आज नॉन जनरल वर्गों के पार्टी अध्यक्ष एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए सत्यानाश हो रहे हैं। तो कैसे एकजुट किया जाए? अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि हमारी सरकारें कैसे बनेंगी, हमारी सरकारें कैसे बनेंगी, इसके लिए हमें और आपको अपने राजनेताओं से निवेदन करना है, डिमांड करना है। हमें और आपसे मतलब है कि जो समाज को जागरूक कर रहे हैं लोग, जो सामाजिक संगठन समाज को जागरूक कर रहे हैं, जो मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध के धार्मिक संगठन जो समाज को जागरूक कर रहे हैं, जो हमारे मीडिया कर्मी समाज को जागरूक कर रहे हैं, जो हमारे युवा समाज को जागरूक कर रहे हैं, वो अपने ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के पार्टी अध्यक्षों से ये डिमांड करें कि माननीय अध्यक्ष महोदयो, आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ करके सरकारें नहीं बना पा रहे हो, इसलिए आपसे बेहतर निवेदन है, आपसे हमारी मांग है कि आप लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो। इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सामने वाला जो हमारा चुनाव लड़ रहा है वो एनडीए और यूपीए बना के चुनाव लड़ रहा है, वो आपसे अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है। वो अकेला सिंगल पार्टी चुनाव लड़ती तो आप सिंगल पार्टी से सिंगल पार्टी मुकाबला करने के योग्य होती है। एनडीए यूपीए बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज के पार्टी अध्यक्षों को, नॉन जनरल वर्गों के पार्टी अध्यक्षों को राष्ट्रीय स्तर पर यूपीए एनडीए का विकल्प एक प्रपोज किया जा रहा है, प्रस्तावित किया जा रहा है। वो विकल्प का नाम है आईडीए। आईडीए का फुल फॉर्म है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस नाम क्यों बताया जा रहा है, क्यों सुझाया जा रहा है? क्योंकि ये तीन अल्फ़ाबेट का ये भी नाम है, वो तीन अल्फ़ाबेट के यूपीए और एनडीए भी हैं, तो तीन अल्फ़ाबेट से तीन अल्फ़ाबेट के नाम भी मिलना चाहिए। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, हम ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लोग ही असली इंडियंस हैं, हम इंडियंस की डेमोक्रेसी को डेमोलिश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा? इंडियंस की डेमोक्रेसी को डेमोलिश किया जा रहा है। तो आज अब इंडियंस के हमारे जो इंडियन लीडर हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के जो पार्टी अध्यक्ष हैं, फेमस पार्टी अध्यक्ष, छोट भैया पार्टी अध्यक्ष नहीं, 2000 से ज़्यादा हैं, उन 2000 को जोड़ने का काम नहीं हमें करना, हमें उन फेमस पार्टी अध्यक्षों को जोड़ने का काम करना है जिनके पास जनाधार है। तीन तरह की जनाधार वाली पार्टियाँ निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्धारित होती हैं। पहली राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी, दूसरी राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त पार्टी और तीसरी क्षेत्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी। ये वोटों की परफॉर्मेंस के आधार पर इन्हें ये वर्गीकरण करके इनको दिया जाता है प्रमाण पत्र। तो इन पार्टियों को हमें राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की बात करना है, इन पार्टियों के अध्यक्षों से निवेदन करना है। जब इन पार्टियों के अध्यक्षों से हम निवेदन करें, और हम लोग कर रहे हैं इस काम को, हम लोग जो जनता को और युवाओं को, सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को अवेयर कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी ये आवाज़ उठाओ। ये आवाज़ आईडीए संघ वालों का ही काम नहीं है, ये भारत के सभी एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध के प्रबुद्ध जीवियों का, ये सबका उत्तरदायित्व है कि अपने पार्टी अध्यक्षों को एकजुट करने का काम करें। अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो यूपीए एनडीए को कभी हरा नहीं पाएंगे, और हरा नहीं पाएंगे तो अपनी नॉन जनरल वर्गों की सरकारें नहीं बन पाएंगी, और नॉन जनरल वर्गों की सरकारें नहीं बन पाएंगी तो नॉन जनरल वर्गों के लोगों का सत्यानाश होने से कोई बचा नहीं पाएगा। संविधान हमारा जो है वो भी नहीं बचेगा, अधिकार तो हमारे ख़त्म हो ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें नहीं है। सिंपल सी बात हमें समझाना है लोगों को सब। आज के युग में जातिवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो कैसे नॉन जनरल वर्ग एकजुट हो? देखिए, नॉन जनरल वर्ग को एकजुट नहीं करना है, राजनेताओं को एकजुट करना है। क्योंकि वर्ग हमारे जो विभाजित हैं वो राजनेताओं की अलग अलग पार्टियों की वजह से समाज विभाजित है। पार्टी अध्यक्ष जो है उनको जोड़ने का काम करना है, और उसके लिए जोड़ने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए। आधार हमारे पास क्या है? हम सब के सत्यानाश हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो। तो जब सबके सत्यानाश हो रहे हैं तो फिर इसमें फिर सब लोगों को अपनी अपनी जाति का अहंकार बनाने का क्या मतलब है? सभी के सत्यानाश हो रहे हैं, तो सबके सत्यानाशों को होने से बचाने के लिए हमारे सारे नेताओं को एकजुट करने की आवाज़ सबको उठाने की ज़रूरत है। अगर केवल चमार के सत्यानाश हो रहे होते या भंगी के सत्यानाश हो रहे होते
या किसी अहिर के सत्यानाश हो रहे थे तो उन्हें जाति विशेष का उनको एक काम करना होता, लेकिन यहाँ तो सबके सत्यानाश हो रहे। जब सबके सत्यानाश हो रहे तो सब लोगों को मिल करके आवाज़ उठानी है, और जो हमारे बड़े बड़े मुखिया हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, उनसे कहना है कि आप लोग हमारी नेतागिरी भी कर रहे हो और हमारे सत्यानाश भी करा रहे हो, हम लोगों पे तरस खाओ और इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर हमारी नेतागिरी मत करो भाई, आप हमारी नेतागिरी भी कर रहे हो, हमारे सत्यानाश भी कर रहे हो भाई, ये कौन सी बात हुई? ये तो बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए या तो आप आईडी गठबंधन में शामिल हो जाओ, आईडी गठबंधन की लीडरशिप करो। आईडी गठबंधन के मालिक हम लोग नहीं हैं, जनता नहीं है, उसके मालिक यही पार्टियों के अध्यक्ष होंगे। क्या गठबंधन को कैसे चलाना है? ये काम कायदे से तो बहन जी का था, बसपा के प्रमुख जो मायावती है, देश की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बहुजनों की, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी हैं। बहन जी की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि जिस तरह से कांग्रेस ने यूपीए बनाया, जिस तरह से बीजेपी ने एनडीए बनाया, उसी तरह से बहन जी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज की जो पार्टियां अलग अलग हो गई हैं उनका आईडीए बना करके उन्हें जो है चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ये बहन जी को नैतिक जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए थी, बहन जी इस नैतिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के सत्यानाश हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में अब हमें और आपको मिल करके अपने पार्टी अध्यक्षों से निवेदन करना है, बहन जी से भी निवेदन करना है। निवेदन करने से नहीं माने तो हमें सड़कों पर जुलूस निकाल के पब्लिक को समझाना है, प्रिपेयर और अवेयर करना है कि भाइयों बहनों आज हमारे आपके जो सत्यानाश हो रहे हैं उन सत्यानाशों का जो मूल कारण है वो मूल कारण है हमारे पार्टी अध्यक्षों के द्वारा मनमानी करना, इकट्ठे होकर के चुनाव न लड़ना। हमारे महापुरुषों ने हिदायत दी थी कि संगठित होकर संघर्ष करना, लेकिन हमारे नेता अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्लोगन भी यही है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ का। हमारे बड़े बड़े पार्टी अध्यक्षों को यूनिटी इज स्ट्रेंथ के स्लोगन का अर्थ भी नहीं मालूम है। तो भाइयों बहनों, हम लोग अब अपने राजनेताओं को ये अर्थ बताने का काम करें। बुजुर्गों ने कहा था ऐसा काम करो जिससे सांप मर जाए लाठी ना टूटे, परंतु हमारे पार्टी अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? अपनी सरकारें तो बना नहीं पा रहे, अपने वर्गों के सत्यानाश अलग से करवा रहे हैं, यानी सांप को तो मार नहीं पा रहे हैं, अपनी लाठी अलग से तोड़ रहे हैं। तो ऐसे पार्टी अध्यक्षों से हम पब्लिक के लोग, हम समाज के लोग, हम सभी धर्मों के वर्गों के लोग अपने राजनेताओं को टारगेट करें, अपने राजनेताओं को टारगेट करके उनसे निवेदन करें कि माननीय महोदयों आप लोग कृपा करो हम सब लोगों के ऊपर और इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। अगर आप इकट्ठे नहीं हो सकते हो, जो इकट्ठे हो जाएं आईडी गठबंधन में हम उनका समर्थन करेंगे, और तुम अगर आईडी गठबंधन में नहीं आते हो तो फिर हमारी नेतागिरी नहीं करो, यूपीए एनडीए में चले जाओ। तुम हमारी नेतागिरी कर रहे हो और हमारे खिलाफ़ जो है समाज का वोट बंटवा रहे हो, ये बात हम पढ़े लिखे लोगों को तुम मूर्ख समझ रहे हो क्या? हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को तुमने मूर्ख समझ रखा है? तुम्हारे पास ही दिमाग है नेताजी क्या? हम लोग समझते नहीं है कि अलग अलग चुनाव लड़ोगे तो बहुजन समाज का वोट बटेगा और बहुजन समाज के जो उम्मीदवार हैं वोटों के बिखरने के कारण कोई जीत नहीं पाएंगे, हम लोग नहीं समझते हैं क्या? तो ये बात आप भी समझते हो, तो इसलिए मेहरबानी करो इकट्ठे हो जाओ। नहीं होते हो इकट्ठे तो यूपी एनडीए में चले जाओ, हमें आपसे झगड़ा नहीं करना है। आपको नेतागिरी करना है, आपको राजनीति करना है, समाज का आप भला चाहते हित चाहते हैं तो नॉन जनरल के पार्टी अध्यक्षों के का आईडी जो बनाया गया इसमें शामिल होकर के आप राजनीति करो और बहुजन समाज का भला करो, सभी धर्मों का भला करो, ताकि जो है जो ये जो 75 सालों की जो हम लोगों के ऊपर दुर्दशा हो रही है लोकतंत्र में, बताइए जब आज़ादी नहीं थी तब तो हमारे लोगों को गुलाम रहना पड़ता था। अंग्रेज़ों को भारत से इसीलिए भगाया गया क्योंकि वो शूद्रों का भला कर रहे थे, इसलिए उनको भगाया गया, लेकिन शूद्रों ने इस बात को नहीं समझा। हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, आपने सवाल किया इसलिए उत्तर दिया, पर इसलिए आज हमें और आपको सबको मिल करके आज आपको से भी हमारा निवेदन है और पत्रकार और चैनल के जो हमारे साथी हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप जिस किसी की भी बाइट लें उससे ये सवाल जरूर करें। पहला सवाल, अपने नॉन जनरल वर्गों के सत्यानाशों का मूल कारण क्या है? दूसरा सवाल, उत्तर इसका है हमारी सरकारें नहीं बन रही इसलिए सत्यानाश हो रहे हैं। दूसरा सवाल इसी प्रश्न के उत्तर से निकल के आता है कि हमारी सरकारें क्यों नहीं बन रही हैं? हमारी सरकारें इसलिए नहीं बन रही क्योंकि हमारे राजनेता इकट्ठे होकर के एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने राजनेताओं को एकजुट कराने के लिए अभियान चलाना चाहिए, मुहिम चलाना चाहिए, आंदोलन चलाना चाहिए, सड़कों पर हमें जुलूस निकालने चाहिए। इसके बाद भी अगर राजनेता नहीं मानते हैं तो जो गिने चुने हमारे राजनेता हैं 25-26 होंगे पूरे देश में और इनके आवास राजधानियों में हैं, हमारे भारत के लोग जब जिलों में हम लोग जुलूस प्रदर्शन करेंगे तो हमारी आपकी बात को जनता सुनेगी तो कुछ तो हमारा आपका साथ देगी, जब साथ देगी तो फिर हम लोग घेराव नहीं करेंगे,
घर के बाहर पंचायत लगाएंगे 2-4 हज़ार लोगों के साथ, बड़े पार्टी अध्यक्षों के घर के बाहर, धरना प्रदर्शन स्थलों पे नहीं जाएंगे, उनके घर के बाहर पंचायत लगाएंगे, उनसे न्याय मांगेंगे कि नेताजी ये बताओ आप अलग अलग चुनाव लड़के सरकार कैसे बनाओगे, और सरकार नहीं बना पाओगे तो बहुजनों का भला कैसे करोगे। तो इसलिए आप इसका उत्तर दो, और अगर आपको ये लगता है कि आप सरकार बना लोगे तो भाई बताओ क्या फार्मूला, अब तक तो तुम बना नहीं पा रहे हो। वो ज़माना और था जब मुलायम सिंह और कांशीराम का और लालू प्रसाद यादव का ज़माना था, वो सक्षम थे बनाने में, लेकिन अब कोई सक्षम नहीं है। तो इसलिए अब गठबंधन का दौर चल रहा है, गठबंधन के दौर में आपको गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है गठबंधन में शामिल होकर के तो यूपी एनडीए में चले जाओ, समाज का सत्यानाश मत कराओ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।